बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, एक नई वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर है। आज की वीडियो हम देखने जा रहे हैं कि हम बैक के फाइनल टर्म क्लास सेवन के एग्जाम की तैयारी कैसे करें। अब सेवन क्लास की तैयारी हम कैसे करें, इसमें कोई भी सब्जेक्ट आ सकता है, उर्दू आ सकता है, इंग्लिश आ सकता है, मैथ, हिस्ट्री, जियो, कंप्यूटर, कोई भी सब्जेक्ट आ सकता है। अब बात यह कि हम उसकी तैयारी कैसे करें, डेज भी हमारे पास कम है और हमने पूरी बुक को तैयार भी करना है, क्योंकि बैक के नोटिफिकेशन के मुताबिक जो आपका फाइनल टर्म का पेपर होने जा रहा है वो फुल बुक में से होगा और 100 मार्क्स का पेपर होगा। ये पैक ने बकायदा नोटिफिकेशन जारी करके बता दिया हुआ है, जिसके बारे में मैंने आपको वीडियो के अंदर डिटेल के साथ बता दिया था कि पैक एग्जाम कैसे होने जा रहे हैं और कितने कितने मार्क्स के होने जा रहे हैं और किस डेट का होने जा रहे हैं, वो बकायदा मैंने आपको बता दिया है। अब बात करते हैं कि सेवन क्लास की हम तैयारी कैसे करें। देखिए किताब है हिस्ट्री। अब हम बात करते हैं कि हम हिस्ट्री की तैयारी कैसे करें, दिन भी कम है तो हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने हिस्ट्री की बुक्स के हमने चैप्टर देखने हैं कितने चैप्टर हैं। अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे मेरे पास टोटल 5 चैप्टर है। अब हिस्ट्री एंड जियो दोनों का पेपर एक साथ होता है, जो कि सोशल स्टडी के नाम से जाना जाता है। हिस्ट्री के चैप्टर है 5। अब हमने क्या करना है, हमने इसकी तैयारी कैसे करनी है। सबसे पहले एक बात हम जहन में रख लें कि जो हमारा पेपर होने जा रहा है वो होने जा रहा है 100 मार्क्स का। अब जो 100 मार्क्स का पेपर होने जा रहा है, इसमें पैक ने बकायदा बता दिया हुआ है कि 50 जो मार्क्स का जो पेपर होगा वो होगा आपका एमसीक्यूज बेस। एमसीक्यूज यानी कि ऑब्जेक्टिव बेस आपका 50 मार्क्स का पेपर होने जा रहा है। अब 50 नंबर के एमसीक्यूज आपको आने हैं, 25 एमसीक्यूज आने हैं, दो दो नंबर का ये एक एमसीक्यूज होगा जो 50 नंबर आपके बनेंगे। आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने कम्प्लीट बुक के जो एमसीक्यूज है उसे तैयार करने हैं। अब एमसीक्यूज हमारे कहाँ से मिलेंगे, क्योंकि हम चैप्टर को हम देखते हैं, चैप्टर की अगर हम एक्सरसाइज को पढ़ाते हैं तो यहाँ पे मेरे पास बकायदा जो एमसीक्यूज है वो मिल जाएगी मुझे। ये एमसीक्यूज हम लोगों ने बड़े अच्छे तरीके के साथ तैयार करने हैं। अगर आपके पास एमसीक्यूज के आंसर नहीं है तो मैंने इस कम्प्लीट बुक की वीडियो बनाई हुई है, जिसके अंदर हमने एक एक चैप्टर को डिटेल के साथ हमने डिस्कस किया है, जिसके अंदर हमने हर एक एमसीक्यूज के मुतलक बात की हुई है। जैसे कि ये मेरे पास एक्सरसाइज आ जाती है। अब इसके अंदर एमसीक्यूज कितने हैं, ये मेरे पास 5 एमसीक्यूज है। अब आपने ये एमसीक्यूज तैयार कर लेने हैं, ये आंसर भी मैंने लगाए हुए हैं। अगर आपको आंसर नहीं मिलते तो आपने इसी चैनल की प्लेलिस्ट के ऊपर जाना है, वहाँ पे आपको सेवन क्लास हिस्ट्री की कंप्लीट बुक के एमसीक्यूज मिल जाएंगे। ऐसे सेवन जियो के, कंप्यूटर के, कंप्लीट सेवन क्लास की जितना भी न्यू कोर्स है सब की जो वीडियो है आपको मिल जाएगी। इसके अंदर हमने कम्प्लीट डिटेल के साथ बात की हुई है कि चैप्टर के अंदर हमने कौन कौन से सवाल मेन करने हैं और इसके एमसीक्यूज के जवाब कौन से है। आपने क्या करें, अपने कम्प्लीट बुक के एमसीक्यूज आप लोगों ने तैयार कर लेने हैं। अब जब आप एमसीक्यूज तैयार कर लेंगे तो आपका जो 50 मार्क्स का पेपर होगा वो आपका कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि 5 एमसीक्यूज इसमें से आ चुकी है पहले चैप्टर में से। सेकंड चैप्टर में से भी हम देखते हैं तो सेकंड चैप्टर में अगर मैं देखूं कितने एमसीक्यूज है तो वहां से मैं आइडिया हो जाएगा कि फुल बुक में कितने टोटल एमसीक्यूज बन रहे हैं। अगर हम सेकेंड चैप्टर में देखें तो यहाँ पे मेरे पास 5 एमसीक्यूज है। देखिए हर एक चैप्टर के जो एमसीक्यूज के निशानात लगे हुए हैं, 5 यहाँ पे एमसीक्यूज आ गए। ऐसे 5 चैप्टर मीन्स के 25 एमसीक्यूज हमारे यहाँ से बन रहे हैं और 25 एमसीक्यूज हमारे पास जियो की बुक में से आ जाएंगे। आप लोगों ने ये 50 एमसीक्यूज तैयार कर लेने हैं। जब आप ये 50 एमसीक्यूज तैयार करेंगे तो इस 50 एमसीक्यूज में ही आपका जो फाइनल टर्म का जो पेपर है ऑब्जेक्टिव टाइप वो इसी में से बनकर आएगा। यानी कि अगर आप एमसीक्यूज तैयार करते हैं तो आपका जो 50 मार्क्स का पेपर है वो कम्प्लीट हो जाता है। आपके 50 मार्क्स वो आपके कन्फर्म हो जाएंगे कि 50 मार्क्स आपके अब आ जाएंगे। अब आपने सब्जेक्टिव कहाँ से तैयार करनी है, वो आपने तैयार नहीं करनी, आपने जस्ट ऑब्जेक्टिव तैयार करनी है। और सब्जेक्टिव कैसे तैयार करनी है उसके लिए आपको इसी चैनल के ऊपर गेस्ट पेपर भी मिल जाएंगे और कुछ दिनों तक आपको मॉडल पेपर भी जो पैक के बकायदा हो गए वो भी मिल जाएंगे। आपने गेस्ट पेपर में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हुए हैं वो आपने तैयार कर लेने हैं और जो मॉडल पेपर में होंगे वो तैयार कर लेने हैं। और बहुत जल्द आपको इसी चैनल के ऊपर बकायदा ओरिजिनल पेपर भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अब 6, 7, 8 इनके जो ओरिजिनल पेपर है वो आपको इस चैनल के ऊपर मिलेंगे, लेकिन जो छोटी क्लासों के पेपर है वो आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगे। वो आपने क्या करना है, आपने अपने यूट्यूब के ऊपर जाना है, यहाँ पे जाके आपने सर्च करना है, आपने @WAQAR वकार हैदर 2 आपने ये लिखना है। तो जिन्हें आप देखेंगे सबसे पहले आपके पास ये चैनल आ जाएगा, आपने इसे ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे देखे, यहाँ पे गेस्ट पेपर अपलोड हो रहे हैं। देखिए सेवन क्लास साइंस जो गेस्ट पेपर है वो आपके सामने मौजूद है, 7 इस्लामियात का मौजूद है, 8 का मौजूद है, 8 उर्दू, 8 इस्लामियात, 8 कंप्यूटर। जो छोटी क्लासों के पेपर है वो आपको यहाँ से मिल जाएंगे और जो बड़ी क्लासों के पेपर है 6, 7, 8 वो आपको इसी मेन चैनल के ऊपर मिल जाएंगे।
आपने क्या करना है, अभी आपने जस्ट एमसीक्यूज आपने तैयार कर लेने हैं, ताकि जो 50 नंबर का पेपर है वो तो आपका कंप्लीट हो, और जो बाकी 50 नंबर का पेपर है वो जल्द आपको इसी चैनल के ऊपर आपको मॉडल पेपर भी, गैस पेपर भी, और बकायदा पेपर एग्जाम होने से कोई 2-4 दिन पहले ओरिजिनल पेपर भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो आपने अपने ओरिजिनल पेपर की तैयारी आपने वहाँ से कर लेनी है, तो आपका जो पेपर है वो 100% जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। लिहाजा आपने अपनी जो तैयारी है वो इस तरह से ही करनी है। अब ये 7 क्लास के मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, 7 क्लास के किसी भी सब्जेक्ट को आपने ऐसे ही तैयार करना है। वो मैथ हो तो आपने मैथ का जैसे एमसीक्यू तैयार कर लेने हैं, बल्कि मैथ के ऊपर मैं आपको बकायदा एक वीडियो बना के दिखाऊंगा, क्योंकि वो उसके एक्सरसाइज में से भी शार्ट क्वेश्चन बनते हैं, मैं आपको वो भी बताऊंगा कि वो आपने कैसे तैयार करने हैं। अलबत्ता साइंस के जितने भी सब्जेक्ट हैं, साइंस का, कंप्यूटर का, हिस्ट्री, जियो, उर्दू, इस्लामियात, मिताले पाकिस्तान, वो आपने ऐसे ही तैयार करने हैं, उनके एमसीक्यूज आप लोगों ने तैयार कर लेने हैं, और जो ओरिजिनल जो बाकी जो पेपर होगा वो आपको इस चैनल के ऊपर मिल जाएगा, गैस पेपर मिले हुए हैं, आपने वहाँ से अपने इसका सब्जेक्टिव पार्ट तैयार करना है, और जो मॉडल पेपर आपको कुछ दिनों तक मिल जाएंगे, और साथ में जो ओरिजिनल पेपर होगा वो आपने वहाँ से तैयार कर लेने हैं। मीन्स के अगर हम फर्ज भी करते हैं अगर आपको ओरिजिनल पेपर नहीं भी मिलते तो आपके पास 50 नंबर है वो आप इजीली तैयार कर सकते हैं, लेकिन ओरिजिनल पेपर आपको यहाँ पे लाजमी मिलेंगे। यूनिक एग्जाम स्टार्ट होगी उससे 2 या 4 दिन पहले आपको इस चैनल के ऊपर ओरिजिनल पेपर मिल जाएंगे। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और आपने इस वीडियो को भी लाइक करना है, और इस चैनल को सपोर्ट भी आप लोगों ने करना है, ताकि ये चैनल आपके सपोर्ट से ही चल रहा है। आप इसे सपोर्ट करेंगे तो हम ऐसी नई नई चीज़ें आपके सामने लेकर आएंगे जिसमें स्टूडेंट को मजीद फायदा हो। जैसे नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करें, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।